नमस्कार दोस्तों, 18 दिसंबर को हांसी में एसडी महिला कॉलेज रोड मार्केट में ड्यूक का गारमेंट का शोरूम था। वहां पर साय 5:30 बजे कुछ बदमाश युवकों ने फिरौती मांगी, उससे फिरौती की यानी कि एक्सटॉर्शन का लेटर वहाँ थमा गया, जो सीसी फुटेज की यानी कि कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद पुलिस ने भरसक प्रयास किया और सर्व व्यापार मंडल ने और वहाँ एसडी महिला कॉलेज की मार्केट 3 दिन तक बंद रही और 26 तारीख को हांसी बंद का काल थी। पुलिस के भरसक प्रयास के बाद तीनों आरोपी पुलिस ने राउंड अप कर लिए हैं। उनकी क्या क्या बैकग्राउंड है, वो कैसे पकड़े गए और क्या बैकग्राउंड है, आइए जानते हैं सीआईएस स्टाफ के एक काबिल अधिकारी अमित कुमार जी से। अमित कुमार जी नमस्कार, हांसी की आवाज़ पर आपका नमस्कार। ये 18 तारीख को एक्सटॉर्शन का लेटर थमाने वाले 3 युवक जो आए थे, तीनों राउंड अप हो गए? जी, वो तीनों राउंड अप हो चुके हैं हमारे पास। उन तीनों के नाम एक तो दीपक मलिक है, एक लोकेश है और एक शुभम। तीनों हिसार के रहने वाले हैं। अच्छा जी, और तीनों पढ़ने लिखने वाले हैं। अच्छा, मैं दीपक से बारे में पूछना चाहूँगा कि दीपक कहाँ का रहने वाला है? दीपक हिसार का ही रहने वाला है। अच्छा, और बोलते नहीं बोलते हैं, ये उमरा का जी, और ये सिविल ट्रेड में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। का आज हमने दोपहर में अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद उसके बाद दो गिरफ्तारियां हमने और करी, लोकेश और शुभ्रशु। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दीपक को अरेस्ट किया जी, राउंड अप किया, ये कहाँ किया राउंड अप आपने? ये हमने यहाँ रामायण मोड़ के आसपास। तो उसी की शिनाखत पर ये दोनों जी, ये दोनों कहाँ पर? ये दोनों के पेट्रोल पंप के पास यहाँ इससे मिलने के आने वाले, जो हमें पता लग चुका ये दोनों इकट्ठे होने वाले हैं, तो उसको भी बाद अरेस्ट कर। इस वारदात में या शोषण की जो लेटर थमाने की वारदात में और कोई पिस्टल भी इस्तेमाल की गई थी? जी, पिस्टल इस्तेमाल किया गया था, जो जिनकी पूछताछ भी बताया इसके बारे में। वो साइज कभी नहीं है नहीं, अभी सीज नहीं किया है और अभी इनसे ये पूछना बाकी है कि पिस्टल वो कहाँ है, पिस्टल था, रिवॉल्वर था, क्या था, सब आप ये बताइएगा। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? नहीं, एस सचिन का क्रिमिनल बैकग्राउंड इन तीनों लड़कों का नहीं है। इनका कोई सोशल बैकग्राउंड जरा बता पाएंगे कि दीपक क्या करता है? देखिए, दीपक का सिविल ट्रेड का फर्स्ट ईयर का, मैंने जैसे बताया अभी, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और लोकेश भी एलएलबी का स्टूडेंट है। एलएलबी का स्टूडेंट है, सिटी ने मेरे साथ लग के बड़ा
कंसिस्टेंटली आपके साथ रहे, लगातार भागा दौड़ी में रहे हैं सर आप, तो चलो ट्रेस हो गया, तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग रहा। सर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बावजूद इनके इन्होंने 50 लाख रुपये की फिरौती मांग ली, तो क्या मजबूरी रही थी? देखिए मजबूरी मैंने एक ही बात कही ना, अभी जो बातें मेरे को नहीं पता, जिन बातों के बारे में मुझे बात करनी है वो मैं आप याद नहीं कह सकता। ये थे अमित तिवारी CID अपने CIA इंस्पेक्टर, जिन्होंने बताया कि इन बंदों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स रहे, एक लॉ का स्टूडेंट था, एक NIT से सिविल का डिप्लोमा कर रहा है, एक अन्य भी प्लस टू का स्टूडेंट रहा है, और इनके बैकग्राउंड के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे कोई प्रोफेशनल हिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इनको ट्रेस कर लिया है और हाशिम को यानी कि जबरदस्त मुद्दा देने के बजाय पैसिफाई करने का काम किया है। फिलहाल तीनों पुलिस की हिरासत में है, अमित, दीपक और शुभम, यानी कि ये तीनों पुलिस की हिरासत में है, और जैसे कि सर्व व्यापार मंडल ने 26 तारीख को बाजार बंद की कॉल की थी, हाशिम बंद की कॉल की थी, उसके बाद लिहाजा हम तो ये कह पाएंगे कि व्यापारियों में कुछ यानी कि आशंकाएं थी, जो उनकी शंकाएं थी और जो उनके अंदर भय था वो भयभूत हुए होंगे, आगे उनका डिसीजन क्या रहेगा ये तो उन्हीं से पूछा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, देखो विधायक का अपना रोल है, विधायक का रोल कोई नेगेटिव नहीं रहा, अरे बिल्कुल नहीं रहा, विधायक हमारे साथ है, विधायक का तो मैं हमेशा ही है, अभी मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी के साथ रहूंगा, दूर नहीं हूँ, और उसका बिल्कुल हमारे साथ 26 को यानी बंद नहीं रहा, 26 का जब आपके सामने जो एसोसिएशन समर्थन किया तो हम समर्थन के साथ है, डिसीजन है फिलहाल इन्होंने पहले ही अभी खोल लेंगे, 26 को आगे संघर्ष जारी रहेगा, हरियाणा के व्यापारी का पूरा समर्थन आशी के व्यापारियों के साथ है और रहेगा, इसमें कोई दो नहीं। अजय जी आप बताइए, आप तो मार्केट के प्रधान हैं, यहाँ इस टाइम क्या लिया गया है, तीनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मास्टरमाइंड अभी यानी कि बाहर है जैसा पुलिस बता रही है, ये पकड़ नहीं है, तो 26 तारीख को जो आपने हाशिम बंद की कॉल की थी, शहर बंद की कॉल की थी, वो स्थगित कर दी गई है, तो ये वो स्थगित क्या वो वापस दे दी, वो जो 26 तारीख का बंद था वो वापस ले लिया है, क्योंकि जो मुस्लिम थे उनकी पुष्टि हो गई है, मुस्लिम पकड़े गए वाले, तो मेन पहले तो मुझे फिरौती वाला ही था, गोरियों वाला भी है, दूसरों की हम संघर्ष करते रहेंगे, जैसे हमें आदेश ऊपर से मिलते रहेंगे, तो लेकिन 26 तारीख वाला जो बंद था उसका हमने वो खोल दिया है, यानी कि 26 को अब शहर बंद की कॉल यानी कि आपने कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये थे अजय सैनी जी हमारे साथ, जो SD महिला कॉलेज मार्केट के प्रधान थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 26 तारीख को यानी कि जो बंद की शहर बंद की कॉल थी, तीनों आरोपियों पकड़ने जाने के बाद अब हमने वापस ले ली है, फिलहाल मोबाइल एसोसिएशन का ये डिसीजन है कि आज 20 तारीख को उनकी जो धरना दिया जाएगा और उनकी जो मोबाइल की दुकानें हैं बंद रहेंगी अब जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाती है, तो ऐसा डिसीजन लिया गया है कि फिलहाल 26 तारीख का धरना समाप्त है, शहर बंद का डिसीजन वापस ले लिया गया है, तीनों आरोपी पुलिस के अनुसार, जैसे कि हम आपको दिखाई भी गए कि तीनों आरोपी गिरफ्तार आ गए हैं, मास्टरमाइंड स्टिल पुलिस के अनुसार अभी उनकी क्लेंस से बाहर है, एक दो और भी हो सकते हैं, इसमें व्यापारियों को राहत मिली है और उनको एक बार जो दहशत में चले गए थे फिलहाल उनको थोड़ी सी राहत मिली है, मोबाइल की गैलरी के चोरों को पकड़ा जाना है, अभी का चोरी बरामद तक चोरी बरामद नहीं होती, उनका धरना जारी रहेगा 20 तारीख को, हर 20 तारीख को ऐसा इनका कहना है। उसका दोस्तों हाशिम की आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। शहर में आपने जो 3 दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया, दुकानें बंद करके, उसके बाद आरोपी भी पकड़े गए, किस किस का सहयोग मिला, किस किस का आभार व्यक्त किया? मैं सबसे पहले तो मेरी मार्केट SD महिला कॉलेज मार्केट का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने एक सीज़न के टाइम में, जो एक मेन सीज़न होता सर्दियों का, उस सीज़न के टाइम में अपने 3 दिन मार्केट बंद रखी, उनका दिल से धन्यवाद करूँगा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाशिम शहर के एक एक व्यापारी का, एक एक प्रधान का, जिन्होंने इस संकटी घड़ी में हमारा साथ दिया और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से शहर के अंदर सारे व्यापारियों को, भाई कभी किसी व्यापारी भाई के साथ कोई घटना घटती है तो मैं और मेरी मार्केट 24 घंटे उनके लिए तैयार रहेगी, और मैं पुनः एक बार फिर सभी का धन्यवाद करता हूँ, और हमारे हाशिम के विधायक श्री विनोद गणा जी का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी जब जिस दिन ये
हुई थी घटना, उस दिन मौके पे आके एसपी साहब को बड़ा ही मतलब खिंचके कह दिया था, तो उन्हीं का असर है जो आज ये मुजरिम पकड़े गए हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। धन्यवाद सर।